तो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कार का जो ये डोर लॉक है, ठीक है। डोर लॉक ये क्या होता है, कभी कभी इसका जो मशीन के साथ जो मैपिंग रहता है वो डिसकनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप जितना भी इसको प्रेस करेंगे तो वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो उसको अगर आपको मैपिंग करना है तो किस तरह से कर सकती है, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा सिस्टम दिखा दूंगा, ठीक है। वो कोई ख़राब नहीं होता है, जस्ट मैपिंग जो ब्लूटूथ में जिस तरह कनेक्शन रहता है उस तरह इसमें भी एक कनेक्शन रहता है, वो कनेक्शन टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो मशीन आप देख सकती है ये जेनक्स का, ठीक है। ये इस मशीन में मेरा इसके साथ ये मैपिंग है, ठीक है। ये कार में रहता है, कार में कहीं भी अंदर में रहता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको, तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो इसमें मेन रीज़न क्या होता है, इसको डिसकनेक्ट क्यों होता है वो मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी इसको मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा काम कर रहा है, देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, ये पूरा काम कर रहा है। मतलब अगर क्या होता है, कभी कभी आपका जो सेल्फ है, ठीक है, जो सेल्फ है आपका वो अगर ख़राब हो जाता है, बार बार आप इस तरह करेंगे तो क्या होता है, इसका कनेक्शन टूट जाता है। इसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि अगर 3-4 बार एक साथ इसको बार बार ऐसा करने से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो तब इसका कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है। तो अभी मैं आपको लोगों को डिसकनेक्ट करके दिखाता हूँ किस तरह से ये डिसकनेक्ट होता है, उसके बाद फिर से किस तरह से कनेक्शन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अभी मान लीजिए कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा करके तो फ्रेंड्स इसके पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था ये कनेक्शन था, ठीक है। मैंने 3-4 बार ऐसा सेल्फ मार दिया तो इसका जो कनेक्शन है ये डिसकनेक्ट हो गया। आप देख सकते हो, इसमें अभी प्रेस करूंगा तो इसमें कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, देख सकते हो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इस केस में अगर आप मेकर के पास जाएंगे तो आपको बोलेगा कि इसको सेंस करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो मशीन है इसको सेंस करना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत सारा खर्चा लगा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी इसके साथ कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, सिर्फ इसका साथ जो मैपिंग है वो डिसकनेक्ट हो गया। कभी भी आप देखिएगा कि अगर आप एक साथ बार बार कर रही है स्टार्ट देने की तो इसका जो कनेक्शन है टूट जाता है। तो अभी मैं सिंपली आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसको कनेक्शन करना पड़ता है। तो अभी क्या करूंगा, इसमें जैसा है देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। अभी क्या करना है फ्रेंड्स, अभी आपको करना है ये डोर जो है इसको इस तरह रखना है, ठीक है। आप देख सकती है इसको मैंने ऊपर कर दिया, अभी यहाँ पर सभी लगा के इस बार 5 टाइम मतलब 5 बार स्टार्ट देने की कोशिश करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 देख सकती है अभी ये साउंड आ गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसमें इसको अभी कुछ इसमें कुछ भी करना नहीं है, इसमें ऐसा करना है, करने के बाद इसमें लॉक में प्रेस करना है। तो देख सकते हैं अभी हो गया, काम हो गया, अभी देख सकते हैं ये मैपिंग हो गया। तो मेन जो पॉइंट है मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना है, जब भी ये कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है, तो क्या करना है, इसको इस तरह रखना है, डोर को ओपन रखना है, ओपन रख के इसको ऊपर रखना है, ठीक है। ऊपर रखने के बाद इसमें साबी लगा के आप 5 बार इस तरह से ऐसा करेंगे, ऐसा 5 बार करने के बाद आप इसको सीधा नीचे इस तरह डाल देंगे और आपका जो, उसके बाद आप लॉक का प्रेस करने से इसका जो मैपिंग है वो हो जाता है। तो इसी तरह सिंपल सा सिस्टम। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो सिस्टम है ये सिर्फ जेनक्स में ही काम आएगा, अगर दूसरा कंपनी है तो उसका दूसरा सिस्टम है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, इसको एक बार ट्राई कर सकती है अगर आपका इस तरह दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना।